तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। और भाई, जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि भाई जो BGMI पे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो चाइना को डेटा भेज रहा है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो भाई, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि भाई एक चिंगारी लग चुकी है, बहुत तेजी से ये बात वायरल हो रही है। लेकिन फिर भी नहीं पता तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई IGN नाम का पेज है, और भाई लोग बोल रहे हैं ट्रस्टेड पेज है। मेरे को इतना पता नहीं, सच्ची बताऊँ तो लोग बोल रहे हैं ट्रस्टेड है, तो भाई ट्रस्टेड है चलो। तो भाई उन्होंने ये डाला है कि उन्होंने ना जब पबजी खेला था ना, तो उन्होंने कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी जिससे वो ये बता देती थी कि भाई वो डेटा कहाँ पे स्टोर कर रही है एप्लीकेशन, यानी कि डेटा कहाँ पे भेजा जा रहा है। क्योंकि भाई जब हम एक गेम खेलते हैं ना, तो एक लॉग फाइल बन जाती है, और वो लॉग फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, तो उसमें भाई वो लोकेशन दिखा रहा है बीजिंग की, चाइना की, यानी कि डेटा चाइना में स्टोर हो रहा है। अब भाई इस पर डिटेल्ड वीडियो तो भाई बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई आपको पता चल ही गया होगा। और नहीं पता चला तो गूगल पे IGN सर्च कर लेना, वो पूरा आर्टिकल आपके सामने ही आ जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं कि क्या BGMI बैन हो जाएगा। तो भाई पहली बात तो ये कि जब तक BGMI आएगा नहीं, जब तक वो बैन नहीं होगा, क्योंकि अभी चल रहा है अर्ली एक्सेस। और भाई MEITY से RTI फाइल की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें उनका रिप्लाई आया था कि भाई वे किसी भी गेम को ना लॉन्च होने से नहीं रोक सकते, लेकिन लॉन्च होने के बाद बैन ज़रूर कर सकते हैं। तो भाई अभी BGMI लॉन्च हुआ ही नहीं है, अर्ली एक्सेस चल रहा है, तो अभी बैन तो गेम हो नहीं सकता। तो ये बात तो हो गई। और अब दूसरी बात ये कि वो हमारा डेटा चाइना को भेज रहे हैं। तो भाई पहली बात तो ये, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं BGMI को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो भाई जो वो आर्टिकल है ना, उसमें जो स्क्रीनशॉट है, सबसे पहली बात उसमें भाई VPN लगा हुआ है। तो हो सकता है कि VPN लगा के उन्होंने चाइना में ऐसा कनेक्ट कर दिया हो जिससे कि वो चाइना का IP दिखा रहा हो। दूसरी बात भाई, वो सोर्स आया है ऋषि अलवानी के थ्रू, और भाई ऋषि अलवानी पे लोग ये बोलते आए हैं कि वो शुरू से ही BGMI गेम के खिलाफ है। अब भाई मैं तो उन्हें जानता नहीं, मेरे को पता नहीं कौन है, लेकिन लोगों के थ्रू मेरे को पता चला है कि वो शुरू से ही BGMI के खिलाफ है, और वो चाह रहे हैं कि BGMI बैन हो जाए। तो हो सकता है कि भाई उन्होंने कुछ VPN लगा रखा है उस स्क्रीनशॉट में, तो कुछ तिगड़म बिठा के उन्होंने चाइना का कुछ दिखाया हो जिससे गेम बैन हो सके। दूसरी बात भाई, अभी चल रहा है डेटा ट्रांसफर, तो भाई गेटवे खुला हुआ है, क्योंकि भाई डेटा हम खेल रहे थे ग्लोबल वर्जन में पहले, तो जो भी हमारा डेटा था वो भाई सारा स्टोर्ड था इसमें ग्लोबल वर्जन में, और जो कि कहाँ पे चाइना का है, टेंसेंट का है मतलब। तो भाई चाइना से डेटा इंडिया आ रहा है, तो भाई गेटवे खुला हुआ है, तो भाई जब चीज़ जाती है तो आती भी है। तो भाई एक चांस हो सकता है कि डेटा इसलिए चाइना में जा रहा है डेटा ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि भाई इनकमिंग हो रही है तो आउटगोइंग भी होएगी। और भाई जैसे ही आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लोगे ना, आपका चाइना का गेटवे बंद हो जाएगा, मतलब आपका फिर सारा डेटा इंडिया या सिंगापुर, मुंबई, जहाँ पे भी इन्होंने अपने बैठाए हैं स्टोर करने की जगहें, वहाँ पे भाई आपका डेटा स्टोर होगा। लेकिन इतने डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, इतने भाई चाइना से आना जाना लगा रहेगा। तो भाई हो सके तो आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लो। तो भाई जब सब लोग डेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये गेटवे बंद हो जाएगा भाई, ऐसा मेरे को लग रहा है। और भाई तीसरी बात कि भाई ये गेम अभी अर्ली एक्सेस में है भाई, अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ, अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें, इसलिए तो भाई इस गेम को लॉन्च नहीं कर रहे। अब भाई अब भी बहुत जगह ना पबजी मोबाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरी तरह से पबजी हटानी है। अब भाई और जो लोग भाई ये निकाले जा रहे हैं ना BGMI में गलतियाँ निकाल रहे हैं, और ये बता रहे कि भाई BGMI बैन होएगा, इसका मतलब भाई इससे BGMI कोई फ़ायदा है कि भाई वो सेंस कर पाएगा कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, और गेम लॉन्च होने से पहले वो सारी गलतियाँ ठीक कर लेगा। अब मैं बताता हूँ कि BGMI ऐसे क्या कांड कर रहा है जिससे भाई पबजी के साथ अभी भी वो जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये भाई चाइना में डेटा भेज रहा है, अगर वो बात सच्ची है 10%, अगर वो बात सच्ची है तो एक तो ये गलती कर रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख सकते हो जेड आर्चीवर में, जब हम एंड्रॉयड में जाके OBB में जाते हैं, तो जहाँ पे हमारा BGMI का डेटा स्टोर हो रहा है उसका नाम है com.pubg.imobile, मतलब अभी भी वहाँ पे पबजी मैंशनड है। यही नहीं, और देखो ग्राफिटी को चेक करो भाई, ग्राफिटी का ऑप्शन आता है, रुको लेके चलता हूँ, ग्राफिटी किधर होती है, यहाँ पे, ये तो चीयर पार्क वाली है, नीचे लेके चलते हैं, हाँ ये वाली हो गई। अब यहाँ पे देखो, नीचे स्क्रॉल करो, ये मैंने ID लिंक कर ली अपनी, BGMI चल रहा है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पबजी मोबाइल लिखा हुआ है। रिडीम क्या होता है भाई, ये पता नहीं है क्या आ गया, रिडीम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, छोड़ो इसे, देखो यहाँ पबजी मोबाइल लिखा हुआ है। नीचे क्लिक करो, नीचे वाली जीप पे पबजी मोबाइल लिखा हुआ है, नीचे जाओ, नीचे बग्गी पे पबजी मोबाइल लिखा हुआ है। तो भाई अभी भी इस गेम में इंप्रूवमेंट बाकी है,
यहाँ पे देखो गन पे पबजी मोबाइल लिखा हुआ है, तो अभी ग्राफिटी में पबजी मोबाइल है, जो हमारे फोन में डेटा स्टोर हो रहा है वो BGMI नहीं, वो PUBG.i मोबाइल से हो रहा है। तो यानी कि अभी भाई पबजी अच्छी तरह से गया नहीं है BGMI में से, और इसीलिए गेम अर्ली एक्सेस में है। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने के बाद ही गेम लॉन्च होगा, और भाई जब भी मौज आएगी, मतलब जब भी समझ सकते हो ना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो गेम भी लॉन्च हो जाएगा। इसलिए गेम जल्दी लॉन्च नहीं हो रहा, क्योंकि मान लो उन्होंने आज गेम लॉन्च कर दिया, ये सारे एरर ठीक नहीं करे, फिर से गेम बैन कर देंगे, पबजी से रिलेटेड है, नाम पबजी दिखा रहा है, डेटा चाइना को भेज रहा है। तो भाई इसलिए ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे चाइना का गेटवे बंद कर दें और गेम को सब कुछ हटा दें जब जाके लॉन्च होगा गेम। इसलिए अर्ली एक्सेस में चल रहा है, और इतने गेम अर्ली एक्सेस में है तो ये बैन नहीं हो सकता। और गाइस जो इस टॉपिक पे वीडियो बनी है ना BGMI चाइना से, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो भाई उसमें लोग बता रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने खुद करके देखा है ना वो एप्लीकेशन से, तो भाई उनके में चाइना का दिखा नहीं रहा कुछ भी, बस सिंगापुर और मुंबई दिखा रहा है, पुणे वगैरह चाइना दिखाई नहीं रहा। तो भाई हो सकता है कि कुछ झोल किया हो भाई बंदे ने, बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा। और बाकी आपको पता ही है अर्ली एक्सेस में है गेम, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है गेम को, पहले गेम को ठीक कर लेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दो कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, इस टॉपिक पे जिस पे वीडियो है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय।